सेरी का टाइम हो चुका है, यहाँ पर सब कर रहे हैं सेरी। रोजा इफ्तारी की तैयारियां, तो शायमा करा रही है अम्मी की हेल्प और यहाँ हुमा बना रही। भी माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये हील वाली पहन के चल, हाँ पहन लूंगी, कंफर्टेबल है, मैंने ट्राई करके लिए गया। इज्जती करने की जरूरत नहीं, मतलब अपनी खालों को पहचानता नहीं है, इसकी गोद में आते ही रोने लग जाता है। मेरे को दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान है, अम्मी ने भी ऐसी रख दिया था अलमारी में, अम्मी ने भी नहीं निकालती अपने हेयर स्टाइल बनाने के, लेकिन मैं इसका हेयर स्टाइल बना नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं। सेरी का टाइम हो चुका है, यहाँ पर सब कर रहे हैं सेरी। और ये है मेरे मुझे अंडे खाने, तो मैंने अंडे बनवा लिए थे अम्मी से, शीरमाल फैन और पापे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी, ये खाऊंगी। फोन बोल चुका है, नियत कर लेते हैं रोजे की। लो पानी पी लो पहले, टाइम हो गया। मुझे क्या पता। तो हॉर्न हो चुका है फ्रेंड्स रोजे का, लिए मैंने रोजे की। हेलो, नमाज मैंने पढ़ ली है और रोजा भी रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और पापा बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं, भाभी अपने कमरे में नमाज पढ़ रही हैं और वहाँ कुरान पढ़ रही है, और अम्मी वहाँ पर बैठी है विंडो के पास क्योंकि अम्मी को लग रही है बहुत तेज गर्मी, पंखा भी नहीं चला सकते, बच्चे सो रहे हैं, तो इसलिए अम्मी पढ़ी है, तब से अम्मी कुछ बोल नहीं सकती अभी। क्यों नहीं बोल सकती, बोल सकती हो, इसलिए बैठी ना यहाँ पे, हवा चल रही ठंडी ठंडी, ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, रमजान में रौनक माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा रौनक हो रही है, और मस्जिदों में भी बहुत ज्यादा रौनक हो रही है। कैसा लग रहा है अम्मी? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आम दिनों में तो सोते रहते हैं, लेकिन रमजानों में ऐसी रौनक हो जाती है ना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, जागरना बहुत ही अच्छा लगता है। कैसा लग रहा था? तो मुझे वैसे तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, अम्मी ने मुझे उठा दिया, मैं सो गई थी, मुझे जागा नहीं जाता। मैं इसको उठा देती हूँ और नमाज पूरी पढ़वा रही हूँ, पांचों टाइम की मैं नमाज पढ़ रही हूँ, माशाल्लाह से पांचों टाइम की नमाज पढ़ रही हूँ मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजा भी रख लिया है मैंने, अब मैंने नमाज पढ़ ली है और यासीन वगैरह पढ़ लिया है, अब मैं जाऊँगी सोऊंगी, कल उठूंगी, अभी अम्मी पढ़ रही हैं, उमाई पढ़ रही है, तो मैं जाती हूँ सोने के लिए, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। The next day. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी से काफी अच्छे हैं। सबका स्वागत है, सो वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग सैमा की दुनिया। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, नमाजी मैंने पढ़ ली है और यहाँ पर पढ़ रही है अम्मी हुमा नमाज पढ़ रही है, अम्मी ने तो पढ़ ली, अम्मी हसनैन को लेकर बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही है यहाँ पर, और ये बच्चे तो शोर मचा रहे हैं ना यहाँ पर, ये आए हुआ है आज क्या नाम है, सो नाम भूल गए, जैन और गुड्डू का, रूहान नाम है, कोई गुड्डू गुड्डू, जब कोई गुड्डू बोलता है ना गुड्डू को तो चिढ़ जाता है क्योंकि उसका नाम रूहान, हम प्यार में सो गुड्डू बोलते हैं, कोई गुड्डू बिस्किट कहते हैं, गुड्डे बिस्किट क्या, कोई गुड्डे बिस्किट कहता है मुझे। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, अनाबी और वो उमेर कलर कर रहे हैं यहाँ पर, बच्चे दो हमारे सारे खेल रहे हैं, फारिक, नमाजी मैंने पढ़ ली है, साफ सफाई करके नमाज पढ़ ली थी, अब मैं जा रही हूँ कुरान पढ़ने, कुरान शरीफ पढ़ने जा रही हूँ मैं, तो अभी फिर कुरान शरीफ पढ़ के थोड़ा रेस्ट करूंगी मैं, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। A few moments later. दादा गुड्डू गुड्डू ऐसे बात कर रहा था, चुगली कर रहा था ना मम्मा से अपनी, क्या बोल रहा था, नमाज पढ़ के मैं सो गई थी, तो अब उठी हूँ मैं, 5 बजने वाले है और मम्मी काट रही है, आ गई रूहान की मम्मा भी आ चुकी है, रूहान ने बुला लिया, ये कह रहा है मेरी मम्मा ही है, मैं आरिस की मम्मा हूँ, आरिस आ जाओ मेरा बेटा आरिस। तो हमारी यूट्यूब फैमिली को रमजान मुबारक हो, तो आप सभी को मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो, रमजान मुबारक हो। तो किसके बेटे हो? आपका। मेरा, मैं कौन हूँ? आपकी मम्मा, और ये कौन है फिर? खाला जान। मम्मा गुड्डू, मम्मा गुड्डू के लिए आरिस, आपकी मम्मा कहाँ बता दो, मैं हूँ मम्मा, कहाँ है हाथ से बता दो, कहाँ है ये, तो खाला जान है, ये मम्मा है। नई मम्मा आ गई आपकी, और गुड्डू की मम्मा कौन है?
कहाँ है? दोनों की मम्मा है। डोरी को, डोरी और ये क्या है? ये डोरी है। डोरी नहीं, अनाड़ा। डोरी है, डोरी है, अनाड़ा। पहले इसको ये अनाड़ा नारा बोल रहा था, अभी डोरी बोलने लग गया। ये डोरी होती है, आपको नहीं पता? अनाड़ा बन गई है। सो के उठ चुका है हमारा अच्छू। सुबह हो गई, उठ जाओ। इज्जती करने की जरूरत नहीं, अपनी खाना को पहचानता नहीं है। इसके गोद में आते ही रोने लग जाता है। कार हो रहा है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखिए आंसू टपक रहे हैं उसके, रो रहा है, ओ नहीं, रो हमारे पानी रोता ही है, तेरे पास ही रो रहा है। असलिया जाओ मम्मा के पास, जाओ जा अपनी मम्मा के पास। नमाज का टाइम हो चुका है, सर की नमाज चुकी है, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो चले। हाँ चलिए, चलो अम्मी जाते वजू करने के लिए। अम्मी ने यहाँ पे पुदीना, फ्रेश फ्रेश पुदीना सुखा रखा है, तो अम्मी सुखा कर जार में भर लेती है, और अच्छा जब डालती है ना सारे में तो अच्छा टेस्ट आ जाता है पुदीना को सुखा कर। तो पहले चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वजू करती है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब हुमा खाला अपनी मम्मा को बोल रहा है, हुमा खाला से मम्मा चेंज कर दी, अपनी मम्मा को खाला बना दिया, खाला को मम्मा बना दिया इनने। और मैं कौन हूँ? खाला जान में। और ये कौन है? बढ़िया बढ़िया, हम तो है ऐसे है भैया भैया। और ये कौन है? भाईजान। ये रोजा इफ्तारी की तैयारियां, तो सायमा करा रही है अम्मी की हेल्प, और यहाँ हुमा बना रही है शिकंजी, और बच्चे इधर नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहा है रुहान, और उवैस पढ़ रहा है तस्बीह, और साथ में आ गया है हमारा उज़ैन। अच्छा ज़ैन, इफ्तारी बनाते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। होने वाला है रोजे का जल्दी जल्दी, यहाँ पे इफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं, और बाहर बन रही है पकौड़ियाँ, बाहर भाभी बना रही है पकौड़ियाँ। भी माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ज्यादा धूप भी नहीं निकल रही आज। हवा चल रही है, हमारी, और ये दही बड़े आ चुके हैं, और ये क्या है? चने की दाल की चाट आ चुकी है। हाँ भाभी भाई पकौड़ी बना रही है, और इसमें रखा है नींबू पानी, शरबत नींबू पानी रखा हुआ है, बाकी पकौड़ियाँ वगैरह भी बन रही हैं। बस थोड़ा 10 मिनट ही रह चुके हैं, तो हम शरबत कर लेते हैं अपने ग्लासों में। नींबू पानी, नींबू पानी है, नींबू पानी शरबत। दस्तखान लग चुका है कंप्लीट, और सब बैठ चुके हैं दस्तखान पर, रोजे में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। रोजा खोलने के बाद नमाज पढ़ ली थी, नमाज पढ़ने के बाद रेस्ट करके अब हम जा रहे हैं मार्केट तीनों बहनें। तो टाइम हो रहा है 9 बजे, मार्केट में तो 9 बजने वाले, मार्केट में तो रौनक रहती है चित्तीगढ़ पे हमेशा, पूरे रात तक रौनक ही रहेगी। तो हम देखने जाते हैं मार्केट में कैसे कैसे लगे, क्योंकि ईद के कपड़े भी देखते, कैसी कैसी वैरायटी आई हुई है, तो आपको भी दिखाया था अपने यूट्यूब फैमिली को, तो सामान लेना ना, इसको भी थोड़ा सामान लेना, मैं भी देख लूंगी ईद के लिए कुछ कपड़े पसंद आ गए तो मुझे। क्या हेयर स्टाइल बनाया केरी, मैं बिना कोर्स करी तो अच्छा हेयर स्टाइल बना लिया, हेयर स्टाइल है कोई अच्छा लग रहा है जी, तो मैं भी रोज, ये तो मैं घर पे बना के फिरती हूँ ऐसी, ये तो झूला लपेट जैसे अच्छा लग रहा है तुम्हें, ये
सीखा ये ऐसा सरस्वती में सीखा था ये ऐसा बाल लपेटना पता नहीं अजीब सा है मेरा हेयर स्टाइल अलग है मेरा स्टाइल सबसे मेरे प्रोफेशनल वाले इसकी वैसी है घरेलू काम करते हैं बाल लोग तो लेट्स सी चलिए चलते हैं मार्केट मिलते हैं आपसे थोड़े देर में तो यहाँ से ले रहे हैं हम कप मम्मी पापा हम तीनों को ले लिया है और ये छतली कवर की डेकोरेशन देख सकते हैं आप कितनी रौनक हो रही है बाजार में अभी तो ज्यादा शॉप बंद है आधी खुली हुई है तो फ्रेंड मार्केट में आधी शॉप क्लोज थी तरावियों की वजह से तरावियां चल रही है मगरिब के बाद शॉप ऐसी क्लोज रही 10 दिन तक ऐसी रूटीन रहेगा फिर तरावियों के बाद जब जिस जिसकी कंप्लीट होती रहेगी वो अपनी शॉप खोलते रहेंगे मगरिब के बाद 3 hours later खाने बने आज आलू मेथी और दही बड़े थे तो आलू मेथी में मुझे बटर चाहिए होता तो बटर आलू मेथी बटर और ये आगे मेरी बटर रोटी तो स्टार्ट करते हैं अपना खाना फ्रेंड खाना शाना मैंने खा लिया है खाना खाने के बाद मैं जो सामान लाई थी वो मैंने आपको दिखाया नहीं था तो वो सामान मेरे मम्मी से बोले मम्मी ने अलमारी में रख दिया था तो मैंने मम्मी से बोला निकाल दो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाई थी मैं क्या क्या सामान लाई हूँ तो अम्मी कहाँ गई अम्मी इसको तो पूरे दिन ही खेलता रहता है पूरे दिन क्या कर रहे हो अब मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो पैसे देके पैसे देंगे नानू को पैसे देने जा रहे हो मम्मा को भी दे ठीक है दे सबको दूंगा ठीक है और आज निकाल थी अपने हेयर स्टाइल बनाने की लेकिन मैं इसका हेयर स्टाइल बना नहीं पाई मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी रमजानों में थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी हो गया है तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया प्रैक्टिस करने के लिए मुझे तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बांध के रख दिया इसको तो कल इंशाल्लाह बनाऊंगी इसका मैं हेयर स्टाइल मेरे को दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान है मम्मी ने भी ऐसी रख दिया था अलमारी में मम्मी ने भी नहीं देखा था कि क्या लाई हूँ मैम ये कब लाई थी अलग अलग लाई थी मैं एक मम्मी का एक पापा का और एक अपना अलग अलग लाई हूँ मैं जिसको जो पसंद है वो ले लो सही है तेरा कौन सा मैं तो मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा था ये वाला कहाँ गया ये वाला मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तेरा हो गया ये प्लेन वाला जो ना ये पापा का हो गया ये मेरा हो गया सही है और शूज दिखाओ शूज कहाँ गए मेरे सैंडल लाई थी मैं ये रहे सैंडल ये हील वाली पहन के चल हाँ पहन लूंगी कंफर्टेबल है मैंने ट्राई करके लिए अच्छा ये अच्छे लग रहे थी मुझे दिखाना आगे से मेरे को तो लग भी नहीं रही थी भाई चल लूंगी मैं अच्छे लग रही थी क्या है हील वाली दो दो जोड़ी चप्पल पड़ी है तेरी पहनती ये पहन लूंगी कंफर्टेबल है ये जो रखी हुई थी नहीं नहीं मैंने अपनी पसंद से लिया मैंने किसी के कहने से नहीं लिया मैं ये बताया और दिखा और क्या है और ये मशीन लाई थी मैं मैगी कर्ल्स लाई थी मैं लेकिन मैगी कर्ल्स मुझे ये वाली थोड़ी मोटी वाली लग रही है तो इसको कल चेंज करके दूसरी वाली लाऊंगी ये वाली मैगी कर्ल्स को अभी इसको ऐसे रख दो बस ये थोड़ा सा सामान लाई थी मैं और हुआ अपने सामान लाई थी मार्केट से अपने लिए तो बाकी हुआ अपने बच्चों का लाई थी सेरेलेक वगैरह और मेडिसिन वगैरह यही सब सामान था मैंने अपने लिए मसाले वगैरह लिए थे अमरूद का मसाला होता है बड़ा फेमस है वो वहां से तहराए से तो उन्होंने अपने लिए वो ले लिया था तोड़ेगा ही वो ले लिया था पर उमेर का पेपर है कल उमेर का लास्ट पेपर चल रहा है लास्ट है ना उमेर लास्ट पेपर की तैयारी चल रही है भाभी तैयारी कर रही है उमेर के पेपर की कौन सा पेपर है हिंदी का तो कर लेगा हिंदी का सबसे डिफिकल्ट है इसको डिफिकल्ट हिंदी पढ़ी नहीं जाती ना इससे अंग्रेज है इंग्लिश आती है मात्रा नहीं आती मात्रा चलो नहीं आती इसे अच्छा सा पेपर करना कल ऑल द बेस्ट कल के लिए तैयारियां करो तुम अपनी पेपर की तैयारियां कर रहा है और मैं आ गई अपने कमरे में दोबारा से वापस इसका लास्ट पेपर है कल क्योंकि उमेर बहुत देर से कमरे में नहीं था मैं उसको देख कर क्या कर रहा है उमेर तो उमेर अपने पेपर की तैयारियां कर रहा था और यहाँ पर पापा देखो कैसे खिला रहे हंसने को खिला रहे बैठ कर पापा की तबीयत खराब हो रही थी पापा की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब ठीक है और दोनों टेस्ट वेस्ट लिखा था ईद के बाद ही कराएंगे ईद के बाद ही होगा वो टेस्ट जब लिखा था बोला था ना कि टेस्ट कराएंगे ईद के बाद और बच्चे इतना शोर करते हैं बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हैं बच्चे चारों तीनों मिलकर खेल के तो धम मचा रखा पूरे घर में देखो ये धम मचाते हैं पांचों ये तो सबसे बड़ा है ये बहुत ही शोर मचाता है ये सबसे छोटा मेरा नाम ले रही हो तुम सबसे छोटा तुम कौन हो सबसे छोटा तो फ्रेंड इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग को यहीं पर एंड उम्मीद करती हूँ आपको सबको पसंद आएगा ये था मेरा रमजान का व्लॉग
बस रमजान में ज्यादा से ज्यादा बस होते हैं, हम इतना मिलता नहीं है कुरान की तिलावत नवाज़ ना ज्यादा बाहर जाना होता ना यार थोड़ा सा हमारे लिए हमें दुआ में याद रखना, हम भी आपको इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे और दुआ करते हैं सबके लिए, आप भी हमें दुआ में जरूर याद रखना। अच्छा हमें अपनी दुआ में याद रखी, हमारे सपोर्ट करिए, अल्लाह ताला सबकी जायज़ तमन्ना पूरी करे, सबकी हाजत पूरी करे और बस दुआएं सबके लिए, आप भी मेरी दुआ करिएगा। तो साथ करते हैं फ्रेंड्स व्लॉग को यहीं पर ही एंड, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्दी, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए। देखो देखो पहले पीछे से कितना बोल रहा है, इसको पता चल गया व्लॉग एंड कर रही, अल्लाह हाफिज बाय बाय पहले करने लग जाएगी, देखो अल्लाह हाफिज बाय 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 बाय, इधर आके करो खाला जान के पास, इधर आओ इधर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्दी, तब तक के लिए चैनल को इधर आओ। देखो हमारा हस्सू भी आ गया है और आरिस भी आ चुका है, हस्सू भाईजान व्लॉग को एंड करना है तो इसी के साथ करते हैं फ्रेंड्स व्लॉग को यहीं पर एंड, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्दी, तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे लाइए, बहुत ज्यादा प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग से जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय बाय टेक केयर लव यू मुआ।